हेलो फ्रेंड्स, आप सबका किरण सूद के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे फ्रेश क्रीम केक, अमूल फ्रेश क्रीम केक। तो हमने अमूल क्रीम ली है, उसका हमने मेजरमेंट लिया है 1 कप अमूल क्रीम और 3 कप मैदा है। ये यही कप का मेजरमेंट है, ये 3 कप मैदा है, 1 कप दूध, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लें, फ्रिज का ठंडा दूध ना लें, 1 कप चीनी, चीनी आप ज़्यादा भी ले सकते हो, 1.5 कप ले सकते हो, जितना मीठा आपको पसंद हो, 1/2 कप तेल, रिफाइंड कुकिंग ऑयल है ये, और एक छोटा चम्मच 1/4 टीस्पून है सोडा, बेकिंग सोडा, और 1 चम्मच 1/4 टीस्पून है, ये भी छोटा चम्मच लिया हमने, नमक, और 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग है। तो अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। अब 1 बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हमने 1 कप दूध डाल देना है और इसमें डाल देनी है चीनी, और साथ में डाल देंगे अमूल क्रीम। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूध या क्रीम और भी डाल सकते हैं। 1/2 कप तेल। अब इन सबको हमने बीट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो हाथ से भी बीट कर सकते हो, जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो तब तक इसको बीट करेंगे। हमने बीट कर लिया इसको, चीनी मेल्ट हो चुकी है, इसको साइड में रख देंगे। ये जो मैदा है इसको हमने 3 बार पहले ही छान लिया था, मैदे को छानना बहुत ज़रूरी होता, इसकी हवा निकल जाती है। अब इसमें हमने बेकिंग सोडा डाल देना, उसको भी छान लेंगे, नमक डाल देंगे और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, इसको भी छान लेंगे, और इसको हमने मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लें इस तरह से। अब इस बैटर में हमने ये सारा ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो डाल देंगे, एक साथ ही सारा डाल दें, और इसको चलाते समय ध्यान रखें या तो चम्मच से फेंटें या उंगलियों की सहायता से एक तरफ ही फेंटेंगे ताकि इसमें गांठे ना पड़े। इस तरह से इसको एक तरफ ही फेंटना है, चाहे आप हाथ से फेंटो या चम्मच से, इसको एक तरफ से फेंटें और बीच बीच में इसको इस तरह से कट मारते रहें ताकि इसकी हवा निकल जाए। अब ये पेस्ट हमारा गाढ़ा हो रहा है, अब इसमें हमने दूध या क्रीम थोड़ा सा कुछ डाल लेंगे। 1 कप दूध पहले डाला था, अब थोड़ा सा दूध और डाल देंगे और इसको फेंटेंगे, क्योंकि गाढ़ा बैटर है, जितना हमें पतला चाहिए उतना हम दूध या क्रीम डालेंगे, थोड़ा दूध डालेंगे, थोड़ी क्रीम डालेंगे, अब थोड़ी सी इसमें क्रीम डाल देंगे और इसको फिर से फेंटेंगे इस तरह से उंगलियों की सहायता से, अच्छी तरह से इस तरह से फेंटे। अभी भी ये थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और डाल देंगे। केक का बैटर हो चुका है, हमें इतना गाढ़ा चाहिए। अब इसमें लास्ट में हमने डाल देना वनीला एसेंस, 1/2 चम्मच लगभग डाल देंगे वनीला एसेंस, और इसको अच्छी तरह से फिर से फेंटेंगे। हमने केक टिन लिया है, ये गैस पर बना रहे हैं हम, विदाउट ओवन है, तो इसको हमने पहले ऑयल लगा के फिर इसमें मैदा डाल के इसको ग्रीस कर लिया। इससे क्या होता कि केक हमारा जलेगा नहीं और नीचे चिपकता भी नहीं। अब इसमें हमने सारा बैटर डाल देना है एक साथ। हमने सारा बैटर केक टिन में डाल दिया, अब इसको इस तरह से थोड़ा सा हिला लें ताकि बराबर हो जाए। अब हमने गैस पर रेत गर्म होने रखा, ये इसी में आता है, इसी बर्तन का है। अब इस पर हमने इसको रख देना, जब हमने बैटर बनाना स्टार्ट किया तभी से हमने रेत गर्म होने रख दिया था सिम मांच पर। अब केक को भी सिम मांच पर ही पकाएंगे 45 मिनट, बीच में हम 1-2 बार चेक कर लेंगे इसको। केक को रखे हुए 45 मिनट हो चुके हैं, अब हम टूथपिक से चेक करेंगे इसको, ये बिल्कुल साफ निकल आई है, केक पक चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और 2-3 मिनट इसको इसी तरह गैस पर रहने देंगे, उसके बाद इसको नीचे उतार के ठंडा होने के बाद 5-10 मिनट के बाद इससे निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा अमूल फ्रेश क्रीम का केक तैयार है। खाने के लिए बहुत ही स्पॉन्जी बना है, आप देख सकते हो। अगर इसमें आइसिंग करनी है तो इसमें होल है, तो इसमें आप इस तरह से हमारी ये बिस्किट रख सकते हो इस तरह से, इसके ऊपर फिर आइसिंग कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू।